प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दोबारा पूछताछ बुलाए जाने के खिलाफ आज दिल्ली में कांग्रेस ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सामने आए घटना के वीडियो में पुलिस जवान श्रीनिवास के बाल खींचते, उनके हाथ मरोड़ते और उन्हें धकियाते नजर आ रहे हैं, जिससे वह बेहाल दिख रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने जवानों पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। आप सबसे पहले यह वीडियो देखिए। आपको बता दें कि मंगलवार को ईडी के बुलावे पर सोनिया गांधी दूसरी बार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया है। इसके विरोध में राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने विजय चौक पर रोक दिया। इसके बाद सभी नेता वहीं धरने पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस ने वहां से राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे, सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। आपको बता दें कि लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदर्शन करती दिखाई पड़ रही है और उस पर दिल्ली पुलिस बर्बरता करती भी दिखाई पड़ती है। इसको लेकर अब बहुत ही बड़ा बवाल दिखाई पड़ने लगा है, जिस हिसाब से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के बाल खींचने वाले वीडियो सामने आए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के बाल खींचने वाले पुलिस जवान पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। दिल्ली पुलिस ने कहा, हम जवान की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान के बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।